बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज होने वाला जी गोलगप्पा चैलेंज, वो भी इन पागलों के साथ। तो आप लोग ने एंड तक देखना है, वीडियो मिस नहीं करनी, बहुत ही मजे की वीडियो। कैसा लगा आपको जीत के? अल्लाह के नाम पे सब्सक्राइब। जी मैंने सारी चीजें इस तरह सेटअप करके रख दी हैं पहले से ही, और चैलेंज होने वाला था जी बिलाल वकार एंड फहद में। फहद खान का बेस्ट फ्रेंड है, मैंने कहा यहाँ पे मैं बता दूं, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। सिर्फ वाली पहले नाम ये हमारा एक नया कंटेस्टेंट भी आ जाए वैसे। हाय, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा इसको, है ना? कंटेस्टेंट नंबर 1 जी, इनका इंट्रोडक्शन दें आज। ये कह रहा है आज मैं कमेंट्री करूंगा, ब्राउन एके ब्राउन। और वो ये तो कंटेस्टेंट नहीं है, बट चलो इंट्रोडक्शन। हमारे जज हैं आज के लिए। अच्छा, इनकी जिंदगी जजों के हाथ में, लेकिन आज ये जज बन। चल इसे, ये हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2 हैं। हाँ हाँ, बाल मैंने काम चल जाएगा। और अपने शादी हुई इनकी? हाँ बिल्कुल, वो लोगों को पता मेरी पुरानी मुझे भी कंग्रेट। इसने भी अभी अभी शादी की है माशाल्लाह, और फिर 5 दिन में अमेरिका वापस आ गया। चलो खान पीने का स्टोर खोलना। नहीं भाई, ये आया तो मैं जा सकूं अपनी शादी। हाँ ये भी बड़ा वो था कि एक आएगा तो हम जाएंगे। खैर चले जी, आए बैठे, मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन अच्छा हो गया, तो अब हम गेम स्टार्ट करते हैं। डर लग रही है ए हर पास। मैं एक बार कहना पहली टर्न ली ना, सबसे पहले नजर आया मैंने खान। ये जेड़ा बंदा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेड़ा उधर पहली टर्न स्टीव नहीं है, स्टीव मेरे को घर आया बंदा को आया तेल से उतर पे आ। मैं के बंदे की बड़ी स्टोरी है ये माइकल जॉर्डन है। माइकल जॉर्डन है ब्रो। नहीं फिर मैं उधर से के चकवाली सास जी पिज्जा काफी है। चले जी, आई थिंक आप लोगों की गपशप बहुत हो गई है, तो अब हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं। हर चीज आप लोगों के सामने, 20-20 गोलगप्पे आप लोगों के सामने, ठीक है? और देखते हैं कि कौन ज्यादा खत्म करता है। मैंने ऑलरेडी 20-20, आप लोग अगर चाहते तो अपने प्लेट में से काउंट भी कर सकते हैं, क्या पता किसी के ज्यादा या कम ना हो। नहीं आप लोग काउंट, आप लोग जज साहब एंट्री करें और इसको काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तुम अगर अपने खाने में लग जाओगे तो इनपे कौन ध्यान देगा? अच्छा तुमने गिना नहीं है, सही बताओ ना। ऑलरेडी तुमने एक कम कर दिया, रुको मैं लेकर। इतना मुश्किल है ऐसे ऐसे लगा, वो एक ही खा रहे ना तुम्हें, फिर बिलाल को वो कैसे चैलेंज है। अच्छा करना क्या है, मैंने कभी हाँ बस जल्दी जल्दी खाना है जिसने लाइक ज्यादा मतलब ऐसे ही नहीं तो ये आप लोग अपने लिए रूल है। नहीं आप लोग ने डालना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल भी नहीं डालो, अगला बंदा डाल रहा तो उसका तो टाइम जा रहा है। इसको इसको वो नहीं करना, मतलब चम्मच में ले आती हूँ अगर आप कहते हैं। चम्मचे लाओ ना। हाँ आप लोगों ने फिलअप करने हैं, ठीक है? ऐसे नहीं खाना। ये क्या आपने तो पानी में डाला ही नहीं, ये काउंट होगा? मुस्तफा भी देख रहा है, जरा देखें जी। ओ बस ओ बिलाल आप पानी में डाल रहे हैं। बिलाल का तरीका देखो, प्रॉपर तफात खा रहा है क्या बिलाल? पानी कुछ जा ही नहीं। बात नहीं, आपने खाना है, देखिए फिर ये ऐसे नहीं हो। जज ने कह दिया चीटिंग हो रही है। चलो एक बंदा तो चीटिंग कर रहा है, वो मेरा ही नहीं है। अच्छा चलो अभी डिस्क्वालीफाई नहीं करते। मुस्तफा तो पहलवान रेवड़ियां खा रहा है। खाएगा नरिया जज साहब है ना, कह रहा है मैं नहीं खेलना। ये तो इस बेचारे से फूट गया था ना, ये एंड में खाऊंगा ना। हाँ ये एंड में खाऊंगा। वकार पे लगाओ, वकार की स्पेशल ट्रिक है वकार। सबसे ज्यादा आप मुझे तो लग रहा है फहद की प्लेट कम है, तुम अपनी ट्रिक दिखाना जरा सबको वकार। बोल ना बोल। हाँ हाँ स्लो मोशन में। हाँ ऐसे हो जाता है जी जी, ऐसे हो जाता है। फिर भरो छोले
उसी नाक वाले में छोले भरो और उसी में पानी भरो और खाओ। नाक से खाओ कमेंट करके बताइए ठीक है ना। हाँ जीत रहा है। तुमने कहा था जिसने ज्यादा खाया तो मैं आराम से खा रहा हूँ। नहीं नहीं जो पहले खत्म करेगा लाइक फिर तो टाइम आउट हो जाएगा ना। टाइम आउट क्या है तो किसी ने बताया। मैं बता रही हूँ कोई बात नहीं जो बंदा खाएगा तो वो जज जो है ना इनको आप नोटिस करें सब ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जज साहब जज जो है नहीं जी काम कर रहे बहुत ज्यादा खा रहे रेबड़ियाँ वो खार कैचिंग अप टू मी। बिल्कुल जो सही अच्छे चैलेंज कर रहा है ना वो फात कर रहा है फिर वकार कर रहा है फिर आप कर रहे हैं आपको पता है ये मोहब्बत नहीं रही है। मोहब्बत नहीं है सच्चाई है। मुझे दो ना एक मुस्तफा सच हमेशा कड़वा बस लग गया इनको इसके बाद पहलवान रेवड़ी खिलाते हैं ताकि जरा मीठा छोले भी जो खत्म करने हैं और शरबत हां छोले और शरबत दोनों खत्म करने किशु दे दो भाई एक मिनट मैं देती हूँ ये लो ये लो ये लो ये लो किसके कम रह गए हैं मेरे छोले छोड़ पास में वो बच्चा जो कब लाता है वो कहते हैं वो छोले लेके आई है। हाँ ये वाकई एकदम से इसने ऐसे ही बोला। वो जो एक दफा होटल पर गए थे वो कह रहा था रानो से पूछते कि क्या क्या मेन्यू में है छोले के बाद कोफ्ते नहीं नहीं फादे को फादे को बताने दो फाद बताओ जरा। वो जब लाहौर में गए थे तो नाश्ते के लिए वो कहते हैं नहीं फादे को बताने दो ना यार उनको लगा तो 200 देखी भी दस हाँ ना कुछ और ना बोल दे लाहौर गए थे तो वो मतलब जल्द 2 बजे उठे नाश्ता करने गए थे वो कहते हैं मैं कहा भाई की है मेन्यू पे कहते हैं नहीं कोफ्ते ली में तो चने मैं चलो एक प्लेट कोफ्ते दी एक लीम दी चने दी कर दो वो कहते हैं कोफ्ते खत्म हो गए। अरे बार 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 मैं खान में होस्टर दोबारा दोबारा हाँ अगला ऑर्डर अगला फिर तुमने क्या ऑर्डर दिया फिर ऑर्डर फिर मैंने कहा लीम भाई वो भी खत्म हो गई मैं चन्नी फिर ले आओ चार प्लेटें कितनी प्लेटें फिर हमने सारे चन्नी फिर की थी वो पांच ही कहता है भाई अब खाई ये भी खत्म हो गई। अच्छा चार तुम लोगों ने खाई और 2 बजे गए थे ना तो ब्रेकफास्ट खत्म हो गया। हाँ फहद जो है ना जीत रहा है और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आप दोनों के 6 6 रहते और फहद जीत रहा है। फहद के छोले भी ज्यादा रहते हैं मेरे छोलों छोलों से कोई लेना देना नहीं लेना देना छोलों से भी खाने हैं ना छोले खाने मैं छोलों पे फोकस कर तुम छोलों पे फोकस ना करो ना ना इधर दे ये जाती है फहद छोले नहीं खा नहीं मैंने तो फहद को कुरकुर करते हुए देखा है ये काट काट के डाल रहा है छोले डाल के खा रहा हूं छोलों के बगैर खा रहा हूं ये मेरी अगर मैं आज ना जीता तो यहाँ से कोई भी नहीं बात मगर वैसे मुझे लग रहा था कि तुम जीतोगे मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि फहद जीतेगा लेकिन देख लो मैंने उधर बताया था ना जीतेगा यही ये बात सही की है तुम मुझे लग रहा था वकार जीतेगा अपने हस्बैंड पे मुझे भरोसा नहीं था बट ही इज डूइंग वेल हेटर्स कितने हेटर्स हैं नहीं नहीं मैं कोई बात नहीं ग्राइंड करते रहो ये भी मैंने खुद बनाया ये भी मैंने खुद बनाया अपनी पब्लिसिटी भी कर दूं मैं जरा ये भी कितने दिन से घर पे रह रहे ये 5-6 महीने हो गए आज तो पता लगा किसने बनाया। अच्छा दो रह गए फहद और वकार में अब देखते हैं कौन पहले खाता है। आप तो आप साइड पर क्यों चले चने मुंह के तुम्हारे क्या ही डिस्कवालीफाई करके चने खत्म हो गए मतलब
प्लानिंग भी कोई चीज होती है ना। बकार वैसे तुम चनो के मामले में तो नहीं 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 ये हार गया बड़ा तेज है ये आखिर में नहीं नहीं चला है नहीं अगर चला इसके अंदर होना नहीं अगर इसके अंदर चला हो ना नहीं 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 अब भी ना जीतेगा वही जो सारा पानी पी सके नहीं अब ऐसा ना जो टेबल पे पड़ा हो बकार जीत गया एंड टाइम पे वाओ मैन ये हम सारे गप्पे लगा रहे थे बड़ा ही बदतमीज हो अच्छा अच्छा हम तो वीडियो जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा अभी तो हमारा ध्यान ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा था यहाँ पर और ये नीचे फेंकता जा रहा था तो एक्चुअल विनर है जी हमारे बकार तालियां बजाएं सारे बकार के लिए तालियां बजाएं चीटिंग भी नहीं की और खाया भी सब कुछ वो ये ही क्या पड़ा है जी तो तुम लोगों ने इधर एक्स्ट्रा हो गए मेरी बात सुने वकार के लिए तालियां बजाएं सारे वकार विनर है प्लीज क्लैप करें क्लैपिंग क्लैपिंग वाओ वकार इंटरव्यू लेना मैच जीतने के बाद इंटरव्यू आपको कैसा लगा आप आज बने कम है उसके वो क्या कहते हैं वो इंटरव्यू वालों को क्या कहते हैं होस्ट बने आज आज हम आज के मैंने तो मैच से बात करेंगे कैसा लगा आपको जीत के कैसा लगा आपको जीत के बहुत खुशी इतनी खुशी क्या बोला नहीं लगा मतलब मैच के दरमियान क्या आपको लगे कि मैच फसल गया मेरे हाथ से नहीं नहीं इतना कॉन्फिडेंस चेक कर आज के लिए इतना और आपको हार के कैसा फील हो रहा है डेविस्टेटेड आपको हार के कैसा फील हो रहा है आई एम डेविस्टेटेड मैंने नहीं सोचा ये दिन आएगा लेकिन आ गया चले कोई नहीं ऐसा ऐसे पल आते हैं कुछ नहीं होता खैर मतलब कि वो क्या कहते हैं अगली दफा शरबत भी मुकाया है और गोगियां सी भी मुकाई है और आपको हार के कैसा लग रहा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वैसे दरअसल मैं हारा नहीं हूँ मैं जीता हूँ तभी हार गया था जब शादी हो गई दरअसल मैं हारा नहीं हूँ मैं जीता हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं मैंने कहा मैं आहिस्ता अपनी स्पीड रखता हूँ ताकि बच्चे खुश हो जाएं मतलब खाना और खा सके इनके मुंह पे यही खुशी मैं देखना चाहता था लेकिन मुझे मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इतनी अच्छी सोच के साथ आ रहे हैं आई एम रियली प्राउड ऑफ यू नाउ बस एक ही काम रहेगा लाइक एंड सब्सक्राइब चले जी अब सारे कहते हैं मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अल्लाह अगर नहीं करना इस बच्चे को मासूम सा चेहरा देखिए देखिए इतना मासूम चेहरा अभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करना क्या फायदा ये तो तुमने आज बहुत अच्छी बात कर दी एंड में हमेशा ये देखो दावत मैं तुम्हारी पक्की करूंगी लाजमी एंड में ये लोग आकर हमेशा बानी लगे मासूम सा मेरा एक अल्लाह के नाम पे सब्सक्राइब और वो लाइक का बटन जरूर दबाइए ताकि आप मेरे पे लाइक भी बोले आप सारी ऑडियंस को फ्री में इतने खूबसूरत खूबसूरत लड़के दिखा रहे हैं बाल थोड़े कम है लेकिन कोई नहीं आएंगे कनेक्टिव भी है मूछें मतलब माशाल्लाह सब कुछ है लेकिन मुंह पर तिल भी है आम सी बात नहीं तो प्लीज अब तो लाइक सब्सक्राइब बनता है चलो अच्छा हो गया अब आप करें लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे बाल की खाना खा सके अल्लाह के नाम पे नहीं अल्लाह के नाम ताकि आपके लबों पे हम हमेशा इसी तरह मुस्कुराहटें बिखेरते रहें अपने छोटे से वर्ड से अपने छोटे से छोटों से मैं क्या एक बारी लाइक तो सब्सक्राइब कर देना जी कुछ ज्यादा नहीं होना सिर्फ होनी है अगर 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 उन्होंने वो ऑन की है ना सुबह उठो हो तो पहले घंटे का बटन जरूर बंदा कारी कर रहा है ना बहुत जब इसको मैं रखती हूँ पार्टनरशिप में सोशल मीडिया
की स्पीड ही मैं एक इस पे तो लेदर वीडियो नहीं चाहिए, बिलाल अशरफ की स्पीड ऑन ऑन व्हाट्सएप क्या वो टिंग अभी होता नहीं है बाजारों के पता, बालियों को पता होता है क्या हो रहा है सच में? दो सेकंड में मैंने डिलीट कर दिया ठीक है, और उस दो सेकंड के बिलाल ने ऑलरेडी मुझे बाद में आया, पहले बिलाल का आ गया अभी व्हाट्सएप इतना स्लो है ये सच में? मैं डिलीट करता क्यों ब्लैक कॉल बढ़िया गड्डियां तेज चलेंगे पे बंदे दे पुत्र बड़ो अच्छा बाकी आओ ये दोनों गए हुए मुझे ब्लॉक किए हुए अभी तक तुम स्टेटस में ब्लॉक हो तुम तो वैसे भी ब्लॉक हो तुम दुनिया में बड़े बड़े लोगों से ब्लॉक हो इसमें एक अलग वीडियो होनी चाहिए अलग वीडियो बनाने की शेयर होनी चाहिए खान ये शायरी पे तो मतलब जितनी मर्जी वीडियो बनाओ बताओ कौन सा शेर एक शेर इतना शो खत्म करेंगे हाँ चलो चलो मोहब्बत ही क्या जिसमें बंदा बुला चले जी थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मेरे चैनल में चैलेंज में ब्लॉग वाले नीचे अच्छा जी बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना अच्छा चैलेंज किया आई होप हमारी ऑडियंस को भी पसंद आए तो मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़ इन चार चेहरों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी चार नहीं बल्कि पांच पीस आउट